रामनगरी अयोध्या में होने वाले 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा देश उत्साहित है और इसके लिए हर दिन तैयारियां और तेज होती जा रही हैं। ऐसे में रामलला के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, यह भक्त रामलला के लिए कोई न कोई भेंट अपने साथ लेकर जरूर आ रहे हैं। कुछ श्रद्धालु श्रद्धा भाव से अगरबत्ती तो कोई अन्य सामग्री लेकर आ रहा है। कुछ ऐसे ही देखने को मिला है राजस्थान के श्रद्धालुओं में भी, जहां यहाँ के श्रद्धालु भी भगवान श्री राम के लिए भेंट लेकर जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं रामनगरी अयोध्या में। अयोध्या में राजस्थान से कुछ लोग आए हैं, स्वास्तिक लेकर आए हैं राम जी के यहाँ चढ़ाने के लिए और पूजा अर्चना करने के लिए। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि ये लोग कहाँ से आए हैं और क्या लेकर आए हैं और किस तरह की इनकी भक्ति और भावना है। जी, क्या नाम? जय श्री राम। हम राजस्थान पाली डिस्ट्रिक्ट सोजा से आए हैं और 11x11 का स्वास्तिक लेकर आए हैं, जो भगवान के सबसे पहले उनकी पूजा होती है और सनातन धर्म में सबसे पहले उसको उनको पूजा जाता है। हम राम मंदिर दे दिया, हाँ दे दिया सर। हम 10 लोग आए हुए हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको राम मंदिर में आके दर्शन करने आए हैं आप, उनको किस तरह? बस भगवान के यहाँ आए हैं, बस इतनी खुशी हो रही है कि बस हम यहीं रह जाएं, क्या राजस्थान से हम अयोध्या के बन जाएं। जय जय श्री राम। राजस्थान छोड़कर, इनके कहने का मतलब है कि राजस्थान हम छोड़कर अगर चाहें तो अयोध्या में बस जाएं और अयोध्या में हर समय राम का दर्शन करते रहें। आप आए हैं राम जी का दर्शन करने के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं और कितना गर्वान? एकदम खुशी का माहौल है और हमारे साथ भैया जी आए हैं, इनके सहयोग से आए हैं, हमारा भाग्य खुल गया है और इनका भी आगे अच्छा रहे ऐसी कामना करते हैं। कहने का मतलब है कि हम कामना करते हैं, राम जी से कामना करते हैं कि हम लोगों का भाग्य खुल जाए, और खुल गया है। राम मंदिर बनने से पहले ही इन लोगों जो मान्यताएं थी वो पूरी हो चुकी हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मैं राशिद अलवी, अयोध्या।